अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको एक फेस पे दो स्किन पॉलिशेस का रिव्यू दूंगी और ये ऐसा रिव्यू है जो पूरे यूट्यूब पे कभी भी किसी चैनल ने नहीं दिया। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि आज जो है अस्मा डॉल की प्रोडक्ट्स को हम एक पाकिस्तान के सस्ते तरीन ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है। ठीक है, अस्मा डॉल की जो स्किन पॉलिश है उसकी कीमत जो है वो 4,000, 4,500 और कभी कभी वो 5,000 की भी बाजी सेल कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये मैंने सॉफ्ट टच का प्रोडक्ट है, आम मार्केट से हर एक जगह से आपको बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, मैंने डेवलपर का 1 टीस्पून लिया और 1/4 टीस्पून जो था वो मैंने इसका लिया पाउडर का, इनका ब्लू पाउडर है। ठीक है, मैंने इसमें सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन ऐड किया, शाइनर मैंने मार्लिस का ऐड कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है अस्मा डॉल की पॉलिश को बनाने की, तो मैं आपको बता दूं ये अस्मा डॉल की पुरानी पैकिंग है मेरे पास। ठीक है जनाब, तो ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया और ये जो है इसमें 2 पाउडर हैं, पिंक पाउडर और गोल्ड पाउडर। ठीक है, जैसे कि वो कहती हैं पिंक पाउडर और गोल्ड पाउडर दोनों मिक्स करके लगाओ और जादू हो जाएगा, तो आज जादू जो है वो हम आपके सामने करेंगे। इनका सीरम मेरे पास ख़त्म हो गया था, सीरम में भी वही वो जो आपको 5 रुपये वाला कैप्सूल मिलता है ना वाइटनिंग वाला, वही होता था, सेम स्मेल एक जैसी है दोनों की। ठीक है, और ये सूथिंग लोशन और शाइनर भी इनका ही है। ठीक है, ये इसको हम ऐड कर रहे हैं, पुरानी पैकिंग है, मैं आपको फिर बता दूं। और ये जो बाजी के रिश्तेदार बीच में आके कमेंट कर रहे थे ना, ये अस्मा डॉल की पैकिंग नहीं है, ये अस्मा डॉल का नहीं है, खबरदार बाज आ जाएं, अब आपने अस्मा डॉल पे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनानी। तो भाई अब आप लोगों ने मुझे तंग किया तो अब मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो आप लोग जितने मर्जी उल्टे सीधे कमेंट कर लें, मैंने तो जो सच है वो तो बताना ही बताना है। अच्छे से दोनों जो पॉलिशेस हैं उनको मैंने मिक्स कर लिया, अब एक साइड पे हम लगाएंगे अस्मा डॉल और दूसरी साइड पे हम लगाएंगे सॉफ्ट टच की सस्ती तरीन फेशियल सॉरी ब्लीच। अच्छा, मैंने चेहरे को पार्टीशन कर लिया, मैंने इस पे डबल टेप लगाई है, जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होगी, कुछ इस तरह का सीन नहीं होगा। अच्छा, पहले हम लगाएंगे अस्मा डॉल की पॉलिश। ठीक है, गोल्ड पॉलिश सॉरी गोल्ड पाउडर और पिंक पाउडर हमने इसका मिक्स कर लिया था। ठीक है, अच्छे से आपने इसको एक साइड पे लगा लेना है। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो बाजी हैं इनका तो गर्दन चिट्टी है, कान भी चिट्टे हैं और जानबूझ के इसको काला करके इस पे वीडियो बनाई है, तो आज उनको भी पता चल जाएगा कि इनका ओरिजिनल कलर क्या है। देखिए, काले गोरे सारे अलग अलग बनाए हैं, तो इसलिए उल्टे सीधे कमेंट्स ना किया करें। अब दूसरी साइड पे जो है हम सॉफ्ट टच का जो सस्ता तरीन हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है वो ले रहे हैं और वो मैं अच्छे से लगा लूंगी। ठीक है, एक तरफ मैंने अस्मा डॉल को लगा लिया है, दूसरी तरफ जो है मैंने सॉफ्ट टच को लगा लिया। अब इनके हाथों पे जो बची हुई ब्लीच है बिल्कुल राइट साइड पे जैसे हमने अस्मा डॉल लगाई है, लेफ्ट साइड पे हमने सॉफ्ट टच लगाई है, तो वो जो बची हुई है वो मैंने इनके हाथों पे लगा दी है। ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन एक जो आप सामान इतना एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियोस देख देख के पागल हुए हो, सॉरी ये हाथ मैंने उल्टा कर दिया था, 15 मिनट के बाद जो है आपने इसको रिमूव कर देना है। देखिए, अपने पैसे बचाएं, आप लोग चीज सस्ती खरीद के उससे भी वही रिजल्ट ले लेंगे और इतना महंगा प्रोडक्ट पता नहीं वो भी आपको पूरा मिले ना मिले उसका भी वही रिजल्ट होगा। आपके सामने रिमूव कर रही हूँ, पूरे 15 मिनट के बाद हमने ये रिमूव की है और क्या जादू हुआ है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। टेप मैं रिमूव कर दूंगी, इनकी ओरिजिनल स्किन भी आप देख लीजिएगा और इसके साथ साथ आप जो हमारा दूसरा सस्ता तरीन ब्रांड है उसका रिजल्ट भी देख लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको इतने करीब से मैं दिखाऊंगी, आपको अभी भी फर्क नजर आ रहा होगा कि जो हमारा पाकिस्तान का सबसे पुराना और सस्ता तरीन ब्रांड है, और यकीन करें सिर्फ इस्तेमाल करने का अगर आपको तरीका आता है ना तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। ठीक है, मैं 2 कैप्सूल मैंने उसमें भी डाले थे और इसमें भी डाले थे, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, सॉफ्ट टच की जो मैंने पॉलिश बनाई है उसमें भी मैंने 2 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड किए थे। अब मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, आपने गौर से देखना है और ईमानदारी से आप लोगों ने खुद बताना है
कि क्या रिजल्ट है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो इतनी देखी है, इतनी अप्रिशिएट की है, और मुझे जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हैं मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम उन लोगों को इतनी सेंस है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी। अच्छा देखिए, जैसे वो बताती ना हमारी लाइन्स बन जाती हैं, लो जी कितने बनिया ने लेना मैंने दसो जरा तुसी। अच्छा आईब्रो पे देख लें, जो सॉफ्ट टच की हमने लगाई थी वहाँ एक लाइन खींच गई है, वहाँ पे लाइन बन गई है और डिफरेंस आपके सामने है। बिल्कुल कैमरा क्लोज करके कभी मैंने लाइट ऑफ की कभी ऑन की ताकि आपको पता चले कि क्या चीज है। और सेंटर में जो लाइन आपको नजर आ रही है ये इनका ओरिजिनल कलर है। अब देखिए हाथों के ऊपर तेज पाउडर डाल के तो वीडियो बना के बाजी दिखा देती हैं और वो लाइनें पड़ जाती हैं और आवाम पागल हो जाती है। ठीक है, अभी ये देखें, अब चेहरे पे तो हम ज्यादा पाउडर नहीं ना डाल सकते, तो चेहरे पे क्यों नहीं किसी ने रिव्यू दिया। मैं कहती हूँ कि जैसे आप हाथों पे लाइनें डालते हैं चेहरे पे भी ऐसा रिव्यू देना, चेहरे पे भी ऐसी लाइनें डाल के दिखाएं। अब ये आपके सामने है जनाब, दोनों हाथ आपके सामने मैं आपको दिखा दूंगी, दोनों पे ही लाइनें पड़ी हैं और किस पे ज्यादा फर्क पड़ा है आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब इंसाफ की बात है, आपने खुद ही अपने पैसे बचाने हैं, जिसको शौक है पैसे जाया करने का वो कर ले, जिसको नहीं है वो संभाल के रखे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।